फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन्हे किड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप अपने छोटे बच्चों को अल्फाबेट कैसे लिखना और पढ़ना सिखाएं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस शीट बनाकर दें इस तरीके की, जिससे बच्चा अल्फाबेट रिकॉग्नाइज करना सीखे, साथ ही साथ उन्हें लिखना भी सीखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली वर्कशीट है जिसमें बच्चों को आप अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना सिखाएं। अगर आप बच्चों को डायरेक्ट अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना सिखाते हैं तो बच्चा जल्दी से राजी नहीं हो, तो आप क्या करें कि उसको इस तरीके से बॉक्स में अल्फाबेट लिख के दें और बच्चों को इन्हें ऑर्डर में सेट करने के लिए कहें। ए बी सी, तो सी आफ्टर डी, डी ई एफ, अब एफ फाइंड आउट करने के लिए कहें, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग सी पजल बना के दें उसे, ताकि वो इजीली और एंजॉय करता हुआ इस ए टू जेड को बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाए। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बच्चे को अल्फाबेट सिखाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये वर्कशीट। तो आप इस तरीके की वर्कशीट बच्चों को करवाएं। एंड सेकंड वर्कशीट है हमारी मिसिंग अल्फाबेट। यहाँ मैंने अल्फाबेट लिखे है ए टू जेड, बच्चे को आप मिसिंग अल्फाबेट लिखने हैं। मिसिंग अल्फाबेट से बच्चों को वर्ड्स कम आफ्टर बिफोर बिटवीन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप कोशिश करें इसी तरीके से बच्चों को मिसिंग अल्फाबेट लिखवाएं। एल एम डैश ओ पी, अब बच्चों को बोले कि इसमें एक लेटर मिस है, अब कौन सा मिस है, बच्चा देख के भी लिख सकता है इसे। एल एम, तो यहाँ एम के बाद क्या लिखा है, एन, तो यहाँ आएगा हमारा एन। आप उन्हें देख कर लिखने के लिए कहें, जैसे एन ओ पी एस, आप बच्चों को एस फाइंड आउट करने के लिए कहें, एस, एस के बाद क्या लिखा है, टी, एस टी यू वी डब्ल्यू जे के एल एम एन, एल के बाद क्या लिखा है, एम। इस तरह से आप बच्चों को मिसिंग अल्फाबेट सिखा सकती हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं, ताकि उसे वर्ड्स कम आफ्टर बिफोर करने में जरा भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी वर्ड्स कम आफ्टर बिफोर। मिसिंग अल्फाबेट के बाद आप बच्चों को वर्ड्स कम आफ्टर बिफोर करवाएं। यहाँ पर मैंने अल्फाबेट लिखे है और यहाँ पर मैंने ए टू जेड पूरा लिखा है। बच्चे को आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट समझने में ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल रहता है, तो आप उसे समझाएं। ए आफ्टर, ए आफ्टर नीचे वाला देखना हमेशा, बी आई आफ्टर, आई से नीचे वाला जो देखना, आई के नीचे कौन है, जे, एल आफ्टर, एल इसके नीचे वाला, एम, आर आफ्टर, जे आफ्टर, तो जे के नीचे कौन है, के। अब बच्चे को बिफोर की प्रैक्टिस करवा, अब उसे कहें कि जो भी अल्फाबेट लिखा है उसके ऊपर वाला देखना है, एन बिफोर एम, सी, सी से ऊपर वाला, ऊपर की तरफ जाना है, सी बिफोर बी, जी, जी बिफोर एफ, बी, बी बिफोर ए। इस तरीके से आप बच्चों को घर पर वर्ड्स कम आफ्टर बिफोर अल्फाबेट सिखा सकते हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा इस तरह से वर्कशीट बनाकर दें, ताकि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वर्कशीट आती है हमारी लोअर केस लेटर ट्रेसिंग। बच्चों को कैपिटल लेटर लिखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी लोअर केस लेटर लिखने में आती है। अब बच्चों की स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस करवाएं, उसे ट्रेसिंग के थ्रू करवा सकती हैं, डॉट्स बनाकर उसे ट्रेस करने के लिए अल्फाबेट्स दे सकती हैं। ट्रेसिंग के थ्रू बच्चे इजिली सीख जाते हैं, और साथ ही साथ आप बच्चों को इससे फोनिक साउंड भी सिखा सकते हैं, जैसे ए, ए, बी, ब, सी, क, डी, ड। इस तरीके से जितने अल्फाबेट बच्चा ट्रेस करता है उतने ही अल्फाबेट्स आप बच्चों को आप साउंड सिखाएं। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी मैचिंग अपर केस एंड लोअर केस लेटर। बच्चों को यहाँ सेम अल्फाबेट को तो सर्कल करना है, इसमें से बच्चों को फाइंड आउट करना है ए, बी। मोस्ट ऑफ बच्चे डी, बी और डी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इस तरह से प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को घर पर ज्यादा से ज्यादा बी। तो बच्चों को इन दोनों में फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा लोअर केस बी है। अगर बच्चों को पता होगा तो वो इस पर सर्कल करेगा, तो मोस्ट ऑफ बच्चे डी पर सर्कल कर देते हैं। ई, इसमें से ई फाइंड आउट करना है बच्चों को, डी, डी, तो यहाँ डी पे सर्कल करना है। आई, तो लोअर केस आई इज देयर। एल, एम, आर,
एच। तो आप इस तरीके से बच्चों को अपर केस और लोअर केस फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट आती है हमारी क्रॉस द रॉन्ग अल्फाबेट पेयर। यहाँ मैंने स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर लिखे हैं, कुछ पेयर इसमें रॉन्ग है, बच्चों को वो देखकर क्रॉस करने हैं। सी ये भी ठीक है, एच ई बी और ये डी है तो ये क्रॉस करना है। जे आई तो यह स्मॉल जे होना चाहिए था बट यहाँ पर आई है। ई ई के साथ ई होना चाहिए था स्मॉल लेटर में पर यहाँ ए लिखा हुआ है तो ये क्रॉस करना है। एल एल ई आई एम एम एफ और ये टी है। डी और डी के साथ बी लिखा है एन। इस टाइप की एक वर्कशीट बनाए आप बच्चों को और उसे करने के लिए कहें ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से पहचान हो अपर केस और लोअर केस लेटर की। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जब इस तरह की वर्कशीट करते हैं, तो आप उसे इस तरह से वर्कशीट करवा सकती हैं घर पर। ये बहुत अच्छा टाइम है बच्चों को बिजी रखने का, घर पर उन्हें खुद से पढ़ाने का। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी कम्प्लीट द वर्ड विद लेटर बी और डी। बलून ब, ब ब्रश। डोनट ड, डोनट किससे शुरू होता है ड, डोनट। ब बटन डक, तो डक में कौन सा साउंड आ रहा है ड। डॉग में कौन सा साउंड आता है डॉग, ड डॉग। डायमंड ड, डायमंड। तो आप कोशिश करें जब बच्चों को इस तरीके की वर्कशीट बनाती है उनको पिक्चर को बोलने के लिए कहें बार बार उसका साउंड, जब तक बच्चा क्लियर उसे ना बोले तब तक आप उसे लिख, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस तरीके की वर्कशीट आप बच्चों को घर पर बनाकर देंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी बिगनिंग साउंड वर्कशीट। यहाँ बच्चों को पिक्चर पहचान कर उनको बिगनिंग साउंड लिखना है। ट्री ट, डक ड, केक क, फ्लावर फ, रेनबो र, की क, पेन प, हट ह, कैसा साउंड आता है हट में ह, ग्रेप्स ग। इस तरीके से आप बच्चों को वन बाय वन इन वर्कशीट को करवाएं ताकि बच्चा बहुत अच्छे से अल्फाबेट रिकॉग्नाइज करना सीखे, साथ ही उसे लिखना भी सीख जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव को जिनके बच्चों को इस तरीके की वर्कशीट की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।